स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको PRT पता ही होगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो जमा करते हैं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और ये ड्यूरेशन होता है टाइम, जितने टाइम के लिए हम जमा करते हैं। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अभी पहले वाले एक्सरसाइज में फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम फर्स्ट ईयर के लिए, और वो निकलेगा आपका PTR अपॉन 100 से। फिर उसके बाद अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट आएगा प्रिंसिपल पर प्लस SI ऑफ फर्स्ट ईयर। तो जो अमाउंट आएगा इवन, यही जो है प्रिंसिपल बन जाएगा फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, इस तरह से जितने साल के लिए दिया होगा टोटल साल के लिए निकालेंगे, और बार बार जितना SI आएगा वो सारा SI मिला देंगे, वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ऐसे में हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, एक्सरसाइज से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, ये प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग, नंबर ऑफ ईयर दिया, प्रिंसिपल डेट परसेंट सब दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर वन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, रेट परसेंट 12% और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, 2 साल का टाइम है। ऐसे ही तो SI फॉर फर्स्ट ईयर, जैसा अभी मैंने बताया, तो वही होगा PTR या PRT, PTR अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 1 ईयर लेंगे, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट बस निकाल रहे हैं हम, अपॉन में 100। कितना आएगा? 120। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस SI1, पहला वाला SI, यानी कि 1000 प्लस 120 यानी कि 1120 रुपये हो गए। तो अब प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? ये जो अमाउंट आया है यही प्रिंसिपल हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर के लिए, यानी सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया 1120। रेट वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। तो SI दूसरा, यानी कि फॉर सेकेंड ईयर कितना आएगा? सेम PTR अपॉन 100, इस बार प्रिंसिपल की जगह पे 1120 इंटू टाइम 1 और रेट 12 रहेगा, अपॉन में 100। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, क्या मिस्टेक कर दिया मैंने, शुरुआत होते ही मिस्टेक हो गया, 10 मिस हो रहा है, 10 मिस हो रहा है, 1200, 10,000, 120 और ये 1200, तो 11200, तो 11200, 11200 बस यही मिस हो रहा है। 00 से 00 कैंसिल, और मल्टीप्लाई करेंगे 12 बार, जैसे 44, तो 44 से 12 कैम 12 एक 13, 1344 आ गया। ठीक है, 4 जीरोस थे, वो मैंने देखा नहीं, आई अपोलोजाइज। तो अब अमाउंट कितना आया? अब लेकिन अमाउंट का मतलब नहीं है ना, सिर्फ मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था। तो CI इज इक्वल टू 1200 पहले साल का इंटरेस्ट प्लस 1344। आप लिख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट पहला और सिंपल इंटरेस्ट दूसरा, इन दोनों को मिला के, तो दोनों को मिला के जो आया 25 44 आएगा, है ना, 13 12 25 और 44। तो ये जो 2544 आया है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही दूसरा देखते हैं अब। तो सेकंड वाले में है
अगेन प्रिंसिपल है 5,000, आर है 10% और टाइम है 2 ईयर। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट कितना हो जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर, तो PTR अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम एक साल, एक पहले साल के लिए निकालना है, दो जीरो से एक ये ज़ीरो कैंसिल, कितना है 500। अब अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना आएगा, पी प्लस एस आई यानी कि 5,000 प्लस 500 कितना आएगा 5,500। ये आ गया हमारा अमाउंट। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर यही हो जाएगा अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर वाला। तो अब अगर हमको एस आई निकालना है सेकेंड, PTR अपॉन 100, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 कितना आएगा 550 आ गया। तो अब यहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट टोटल कितना आया फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू एस आई वन प्लस एस आई टू, कितना आया 500 प्लस 550 यानी कि 1050। देयरफॉर यही जो दोनों साल का इंटरेस्ट आया ना, यही है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। मेथड आप अलग अलग कर सकते हो लेकिन तरीका ऑलमोस्ट सारा सेम रहता है। फिर इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो 1.5 ईयर दिया हुआ है, बस दिक्कत यही है। तो प्रिंसिपल 2,800 आर इज़क्वल टू 10% और टाइम इज़क्वल टू 1.5 ईयर लिया है। तो ऐसे ही वन फॉर फर्स्ट ईयर, एक साल तो पूरा है, तो PTR अपॉन 100, प्रिंसिपल 2,800 इंटू रेट 10 इंटू 1 ईयर के लिए अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 00 से 00 कट, कितना आ गया 280 आ गया। तो नाउ अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो गया, पी प्लस एस आई यानी कि 2,800 प्लस 280 यानी कि 3,080 रुपये। अब यहाँ पे एस आई टू फॉर हाफ ईयर आधे साल के लिए, तो PTR बाई 100, तो प्रिंसिपल इस बार 3,080, टाइम 1/2, रेट वही 10 अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल 2 1 ज़ा कितनी बार में आएगा 154, बस 308 का एकदम हाफ कर दो, 154 आ गया। तो इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर इज इक्वल टू एस आई वन प्लस एस आई टू यानी कि 280 रुपीज़ प्लस 154 रुपीज़, 8×5=134, 2×3=434, 434 रुपीज़ ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, यही है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका प्रिंसिपल है 2,000 और ये क्वेश्चंस ना आपको प्रैक्टिस के लिए ही दिया रहता है एक तरह के, कई सारे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे टाइम है तुम्हारा 2 ईयर, तो एस आई फर्स्ट फॉर फर्स्ट ईयर, PTR बाई 100, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100
दो जीरो कट, टू टू ज़ा 400, ठीक है। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, जो अमाउंट होगा वही प्रिंसिपल बन जाता है अगले साल के लिए। पी प्लस एस आई वन यानी कि 2000 प्लस 400 कितना आएगा, 2400। तो एस आई सॉरी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना आ गया, 2400। अब एस आई टू फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए एस आई टू कितना आ गया, सेम पी टी आर बाई 100, लेकिन इस बार प्रिंसिपल की जगह पे 2400 इंटू टाइम वन इंटू रेट सेम 20 अपॉन 100, 24 दुना 48 यानी 480 रुपये, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर टू ईयर्स कितना आया, दोनों साल का इंटरेस्ट एस आई वन प्लस एस आई टू दोनों साल का ऐड करके, तो पहले साल 400 इंटरेस्ट आया, दूसरे साल 480, तो 880, एंड दिस इज ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सी आई स्क्वल टू 880। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, यहाँ पे कन्वर्जन ऑलरेडी दिया हुआ है, आपका प्रिंसिपल दिया है 20,480, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 होल 1/4%, और नंबर ऑफ ईयर 2 ईयर 73 डेज दिया हुआ है, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लेना है ईयर को, अरे सॉरी डेज को ईयर में पहले। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 20,480 और आर इज इक्वल टू 6 होल 1/4 यानी कि 24/4% टाइम दिया है 2 ईयर 73 डेज, तो 2 ईयर तो रहेगा ही, 73 डेज दिया है, तो एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, तो कन्वर्ट हो गया ईयर में, यानी कि 2 ईयर के लिए साथ में 1/5 ईयर के लिए, यानी 1 ईयर फिर 1/5 ईयर के लिए हम निकालेंगे। तो एस आई वन फॉर फर्स्ट ईयर पी टी आर बाई 100 20,480 टाइम 1 ईयर इंटू रेट 25/4 और मल्टीप्लाई में 100, 25 एक बार में, 25 से 4 बार में, है ना, कितना आ रहा है, 4 4 जा 16 आ जा रहा है, 4 से देखो कट करो, 4 1 जा 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 और ये 16 टाइम्स में, है ना, 51 टाइम्स में। एक मिनट कुछ तो गलती कर दी है, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, तो 4 2 जा 8 होना चाहिए था ना, 5 1 2 0, फिर 4 से कट करके देखते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, ठीक है, 1 2 8 0 कितना आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 2 8 0 आ रहा है। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर डायरेक्ट अब लिखते हैं, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, तो P प्लस एस आई वन कितना आएगा, 20480 प्लस 1280, ऐड तो आखिर वही करना है, इससे पहले एक लाइन और लिखे होते हैं अमाउंट आफ्टर द फर्स्ट ईयर, तो इन दोनों को ऐड करने पे मेरा आएगा 21,760। तो एस आई टू फॉर सेकेंड ईयर सेम पी टी आर बाई 100,
21,760 इंटू टाइम 1 ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/4, तो 100 और 25 का 4, अगेन 25 1 25 4 सा कट जाएगा। अभी 16 से कट करें क्या, लेकिन यार इतना लंबा आता भी तो नहीं है। 4 1 4 5 4 4 4 4 फिर 4 से 4 1 4 3 12 4 6 24 कितना आ रहा है रेट ऑफ, ये कितना आ रहा है 1360। अब पी फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू पी टू सेकेंड ईयर वाला प्लस एस आई टू, यानी कि प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए 21,760 प्लस 1360। अब 21,760 में 1360 ऐड करेंगे, 23,120 आया। आप देखो एस आई थ्री फॉर 1/5 ईयर, ठीक है, तो इस बार देखो पी टी आर अपॉन में 100, प्रिंसिपल तो 23,120 रहेगा, टाइम 1/5 और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तुम्हारा 25/4 था और 100, ठीक है। कट करेंगे 0 से 0, 5 1 5 5 था, 5 1 5 2 2 4 8 आ रहा है, चलो 2 से पहले इसको कट कर लेते हैं, तो 2 1 2 1 2 5 2 6 फिर 4 से कट रहा है तो कितना आएगा 4 2 8 4 8 32 4 9 36 कितना जाना चाहिए इसको 289 रुपीस। तो इंटरेस्ट कितना आया यहाँ पे, टोटल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू 1280, दूसरा 1360 और तीसरा 289, टोटल इंटरेस्ट ऐड करके आया 2929, देयरफॉर सी आई इज इक्वल टू 2929, टोटल इंटरेस्ट ही कहलाता है सी आई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाला, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 15,625 एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 15,625, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% कंपाउंडेड एनुअली है, ऑल टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर ही है, 3 साल है, तो यानी कि 3 टाइम्स वी हैव टू कैलकुलेट। तो सबसे पहला एस आई वन इज इक्वल टू पी टी आर बाई 100, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, 4 1 4 25 5 5 5 3 1 2 5 फिर 5 से 6 25 कितना इंटरेस्ट आया 625। पी टू यानी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, शॉर्टकट लिख रहे हैं आप समझो थोड़ा सा आप, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लग रहा है करने में, तो 15625 प्लस 625 कितना आ जाएगा 625, 625 1250 होता है, तो 16,250, ठीक है। अब एस आई टू यानी कि वो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, अगेन पी टी आर बाई 100, यानी कि 16250 इंटू 4 × 1/100, तो यहाँ भी वही काम होगा, 4 1 4 25 5 5 5 3 15 2 5 5 325 0, फिर 5 से कट करेंगे 325 को
सिक्स जा 35 जा तो 650 आ रहा है। तो P3 प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, तो प्रिंसिपल थर्ड ईयर के लिए कितना निकलेगा, थर्ड ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल होगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्लस SI2 यानी कि 16,250 प्लस 650 और 6 2 800, एक 900 हो रहा है तो कितना आ जाएगा बस ये 16,900। तो अब SI3 यानी कि थर्ड ईयर के लिए SI कितना निकलेगा, थर्ड ईयर के लिए SI निकालना है सेम PTR/100 यानी कि प्रिंसिपल 16,900 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 × 1/100। तो 00 से 00 कट हो गया, कितना आया 169 × 4, 4 9 36, 16 64 3 67, 676 आया। ठीक है, तो अमाउंट निकालना था ना, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू 16,900 प्लस 676, ये P3 प्लस ये SI जो आया हुआ है यानी कितना आ जाएगा 17,576। अच्छा CI का मतलब टोटल इंटरेस्ट है ना, SI1 प्लस SI2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो तीसरा निकला है यानी कि 625, 650 और 676, 3600 ऐसे ही हो गया, 75 और 76 जोड़ देंगे यानी 150 आ जाएगा और एक करेंगे कितना आ जाएगा 1951। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। टू रिनोवेट हिज शॉप अनुराग ऑब्टेंड अ लोन ऑफ ₹8,000 फ्रॉम अ बैंक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5,000 पर एनम इज कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट अनुराग विल हैव टू पे आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद बेचारे को 5% की रफ्तार से कितना देना होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कितना देना होगा बेचारे को। क्वेश्चन नंबर 7, लोन कितना लिया बंदे ने, ₹8,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% कंपाउंडेड एनुअली है, टाइम कितना है 3 ईयर के लिए लिया है उसने, तो इसमें भी वही होगा SI1 PTR/100 यानी 8,000 × 5 × 1 साल के लिए अपॉन 100, 85 = 40, पहले साल का इंटरेस्ट आया उसका 400। तो अब प्रिंसिपल सेकेंड साल के लिए कौन बना, P1 प्लस SI1 यानी कि 8,000 प्लस 400 यानी कि 8,400 हो गया। इसीलिए देखो ये सब ब्याज कितना खतरनाक होता है ना, लूट लेता है इंसान को, खास तौर से कंपाउंड वाला। तो अब SI2 PTR/100, तो प्रिंसिपल 8,400 इंटू रेट इंटू टाइम 100 कट गया, 85 = 40, 5 4 = 20, कितना आ जाएगा 400 रुपये और 20, 420। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्लस SI फॉर सेकेंड ईयर यानी कि 8,400 प्लस 420, 8,820। आसान है। फिर अब इसके बाद SI3 फॉर द थर्ड ईयर, तो अगेन PTR/100 ही होता है, कितना करेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 100। ऐसे तो 20 5 100 कहीं ना कहीं आएगा ही, लेकिन कोई नहीं, 0 से 0 कट करेंगे, 5 1 = 5 2 = 2 1 = 4 41,
कितना आया 441। अच्छा तुमसे ये पूछा था ना कि कैलकुलेट करो कंपाउंड इंटरेस्ट दैट अनुराग विल हैव टू पे आफ्टर 3 ईयर। तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, तो P3 + SI3, P3 यानी 8,820 प्लस 441 कितना आ जाएगा 9,261। और CI कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट सारा सम करना पड़ेगा, SI1 SI2 प्लस SI3 कितना आ जाएगा टोटल 400 प्लस 420 प्लस 441। और देखो 9,261 ये है ना, और ये ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था 8,000 ना, इन दोनों का माइनस कर दोगे तो भी कितना आएगा 1,261। तो यही तुम्हारा है इंटरेस्ट जो कि उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है मारिया इन्वेस्ट 93,750 एट 9.6% पर एनम फॉर 3 ईयर एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, और एक एक साल पे इंटरेस्ट लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल टाइम अमाउंट स्टैंडिंग टू हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। बस कुछ नहीं जो निकाल लेते उसी में दो स्टेप दे दिया है कि भाई यहाँ यहाँ वाला आंसर बता दो हमें, तो जहाँ से पूछा है जहाँ का वहाँ का उसको आंसर हम उसको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 8। मारिया ने इन्वेस्ट किया है कितना 93,750 इन्वेस्ट किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9.6%। टाइम कितने टाइम के लिए किया है इसने बंदी ने, 3 ईयर के लिए किया है। तो सबसे पहला है SI1। इस बार देखो एक ही बार फॉर्मूला लिखने वाले हैं, कितना आएगा 93,750 इंटू 9.6 इंटू 1/100। डेसिमल रिमूव करेंगे एक और ज़ीरो लग जाएगा, ठीक है। दूसरे साल के एंड का तुमसे पूछा है ना, तो कैसे कट करोगे, ज़ीरो से ज़ीरो कट होगा, फिर 4 से कट करोगे तो 24 × 96 होता है और 4 से 25 बार में जाता है, फिर 5 5 से आ जाएगा और ये 5 1 = 5 43, 5 8 = 40 37 5 7 = 35 5 5 = 25 फिर 5 से कट करेंगे 18 75 को 3 = 15 37 5 6 = 35 और 5 5 = 25 375 × 24 कितना आएगा तुम्हारा 9,000 रुपये आएंगे। इंटरेस्ट कितना आया 9,000, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना आ जाएगा तुम्हारा P + SI1 यानी 93,750 + 9,000 यानी कि 93,900 102,000 हो जाएगा ना समथिंग, 102,750, ठीक है। अब SI फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, PTR/100 इस बार प्रिंसिपल रखेंगे 102,750 आर 9.6 × 1/100। इस बार थोड़ा क्लियर लिखते हैं कट करने के लिए, तो इस बार होगा 102,750 × 96 × 1 और इस डेसिमल की जगह पे 10 और यहाँ 100, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, अगेन 4 से 24 बार में 96 और 4 से 25 बार में, 5 से 5 बार में 5 2 = 10 ज़ीरो लगा के 5 5 = 25 5 5 = 25 फिर 5 से 41 411 × 24 कितना आता है 411 × 24 9864। अरे मेरे को जल्दी करना है ना, यहीं पे बैठ के कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो लंबी होती जाएगी। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर कितना आएगा P2 + SI2
और ये कितना है आपका 102,750 प्लस 9864, तो 1,02,000 है, 9,000, 1,11,000, 8,715, तो 1,12,000, ये कितना आ जाएगा 750 और 64, 50 64 114, तो यानी कि आ जाएगा तुम्हारा 1,12,614। और अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर भी यही है 1,12,614, ये आ गया आपका आंसर। अब इसके बाद अमाउंट स्टैंडिंग टू आर क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर तो हो गया, इंटरेस्ट निकालना है बस थर्ड ईयर का, तो ऐसा ही थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल इंटू 9.6 इंटू 1 अपॉन में 100। फिर वही करेंगे 112,614 इंटू 96 अपॉन में 100 इंटू 10। तो इस बार क्या करते हैं ना, इस बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, कट करने से कुछ मिलने वाला है नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं 112,614 इंटू कितना है 96, 108,10,944, 108,10,944 अपॉन में कितना है 1000, और तीन प्लेस पर डेसिमल लगा तो एक दो तीन पे, यानी 108,10,944, ये इंटरेस्ट हो गया थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। और वो अमाउंट इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। क्वेश्चन नंबर नाइन में है अ सम ऑफ रुपीज 9600 कितना है इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, अरे पर एनम कंपाउंडेड ईयरली होगा, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिर में सम, सेकेंड साल के आखिरी में, और फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड इन द फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर यहाँ पे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। रेगुलर वाली चीज़ें ही करनी है बस, उसने सबको अलग अलग नाम दे दिया है, तो सबसे पहले है आपका सम ऑफ रुपीज यानी कि प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 9th, प्रिंसिपल है आपके 9600, टाइम है 3 ईयर, और रेट परसेंट है 10%। तो सबसे पहले SI 1 फॉर फर्स्ट ईयर PTR बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, 960 द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये पहला पूछा था, तो P प्लस SI 1 कितना आ जाएगा, ये 9600 प्लस 960, और ये होगा आपका ऐड करने पे 10,560। अब प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर P2 लिख दे रहे हैं सीधे 10,560, तो SI फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 1,056। तो पूछा था व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू P2 प्लस SI फॉर द सेकेंड ईयर, तो 10,560 प्लस 1,056
कितना आएगा दोनों को ऐड करके, बस 560 में 56 जोड़ना है और 1000 ज़्यादा कर देना है, तो 11616 आ जाएगा। फिर उसके बाद यही प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर हो गया 11616। अच्छा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन फर्स्ट टू ईयर्स, तो सी आई फॉर टू ईयर्स हो जाएगा ये SI1 + SI2। तो पहले 960 मिला, दूसरी बार 1056 मिला, तो टोटल कितना मिला 2016 रुपीज। अब प्रिंसिपल है थर्ड ईयर के लिए, तो SI थर्ड ईयर के लिए कितना हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 11.61.60 ये आपका इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर आ गया। अब लास्ट में फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थ्री ईयर, तो कितना आया 11.61 इतना, तो ऐसा वो CI फॉर थ्री ईयर्स टोटल कितना आ जाएगा, टू ईयर्स का तो आया ही था, वैसे पूरा फिर से कर देते हैं, यानी कि 960 प्लस 1056 प्लस 1161.60 इक्वल टू कितना आ जाएगा ऐड करके 3177.60। तो ये चारों आंसर हो गए, पहला, फिर उसके बाद दूसरा ये है, फिर एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और ये अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है, शंकर टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज 10,000 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर वन ईयर, आफ्टर टू ईयर, फॉर टू ईयर, फाइंड द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू क्लियर डेब्ट एट द एंड ऑफ टू ईयर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर टू ईयर। ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, CI तो पहले ही निकाल चुके होंगे, फिर उसका डिफरेंस हमको बताना होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर है 10th, ये रहे शंकर भैया जिसने 10,000 का लोन लिया, रेट है 10%, तो ऐसा ही फर्स्ट ईयर के लिए बोल रहा है, तो PTR अपॉन में 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, कितना आया 1000 पहला आ गया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट फॉर टू ईयर्स पूछा है, तो प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल जो पहला था प्लस SI1, यानी कि 10,000 प्लस 1,000 यानी कि 11,000, ये प्रिंसिपल हो गया सेकेंड ईयर के लिए। अब SI फॉर सेकेंड ईयर PTR अपॉन 100, यानी इस बार प्रिंसिपल होगा 11,000, रेट 10% इंटू 1/100, कितना आ गया 1100। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू ईयर्स निकालना था ना, फाइंड द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू क्लियर द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर P2 प्लस SI2, यानी कि 11,000 प्लस 1100, तो कितना आ जाएगा 12,100। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस पूछा था, तो पहले निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट SI फॉर टू ईयर्स, तो डायरेक्टली PTR अपॉन 100, तो टू ईयर्स टाइम मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, तो प्रिंसिपल 10,000 टाइम टू ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन में 100, जीरो से जीरो जीरो कैंसिल, कितना आएगा 2000। अच्छा, CI फॉर टू ईयर्स ये होगा तुम्हारा SI1 + SI2,
यानी कि 1000 प्लस 1100 यानी 2100। तो डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई इज इक्वल टू 2100 माइनस 2000। कितना आया डिफरेंस? 100 रुपीज़ का बस डिफरेंस आया। लेकिन ये बस नहीं है, लंबे समय में बहुत ज़्यादा फर्क देता है ये। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पे ना बस ये कर दिया है कि इसको हाफ ईयरली कर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। क्वेश्चन नंबर है 11th। प्रिंसिपल आपका 5000 है, इसके बाद रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 1 ईयर का और 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये है मेन। तो अब हाफ ईयरली के लिए 1 ईयर है या कह सकते हो 2 हाफ ईयर, दो बार आधे आधे साल हैं, है ना? ठीक है, तो रेट कंपाउंडेड, अच्छा पर एनम फॉर 1 ईयर, ये पर एनम ही दिया हुआ है लेकिन लगेगा आधे आधे साल पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर हम यही निकाल लेते हैं, यानी कि 12/2 यानी कि 6%। तो यहाँ पे एस आई फॉर फर्स्ट हाफ ईयर यानी पहले आधे साल के लिए एस आई क्या होगा, सेम PTR अपॉन में 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम तो 1 ही डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको हाफ कर दिया है, या फिर हाफ लेते 1/2 करते तो भी कट जाता। तो 100, 0 से 0 6 5 जा 3300 आ गया। फिर अगर आधे आधे साल पे लग रहा है तो प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल पहले ऑलरेडी 5000, इंटरेस्ट आया 300 यानी कि 5300 हो जाएगा। तो एस आई फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, इसको हाफ ना करके टाइम को भी हाफ हाफ लिखते तो भी वही आंसर आता है ना, नीचे डिनोमिनेटर में 100 इंटू 2 हो जाता, ऊपर 12 होता। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 यानी 318 रुपये आ जा रहे हैं। तो अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट बस बोला है ना आपको, चलो अमाउंट कितना आएगा, पी प्रिंसिपल प्लस सारा इंटरेस्ट जोड़ दो तो भी आ जाएगा, या फिर अमाउंट इज इक्वल टू लास्ट वाला प्रिंसिपल कितना था 5300 प्लस 318 यानी कि तुम्हारा 5618 था। और सी आई फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली या कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो एस आई 1 प्लस एस आई 2 यानी कि 300 प्लस 318 यानी हो जाएगा तुम्हारा 618। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट जो है हर हाफ ईयर पे लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। तो प्रिंसिपल है तुम्हारा 16000
उसके बाद रेट है आपका 10% पर एनम या फिर 5% हाफ ईयरली, ठीक है। पहले ही टाइम इज इक्वल टू 1/2 ईयर्स या फिर लिख सकते हो 3/2 ईयर्स, है कि नहीं। तो पहले ही मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे SI1 फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, पहले आधे साल के लिए। तो PTR अपॉन 100 प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, वन लेंगे, 3 बार हाफ ईयर है तो 111 अपॉन 100 कितना आया, 1600। तो P2, इसको P1 ही मान के चलते हैं, P2 फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर इज इक्वल टू P1 प्लस SI1 यानी 16,000 प्लस 1600, 17,600 आ गया ये। कुछ गड़बड़ लग रही है दया। दया देखो गड़बड़ क्या लग रही है, इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं आना चाहिए। गड़बड़ ये है दया कि 5% हाफ ईयरली की वजह से लेना चाहिए, लेकिन मैंने पूरा का पूरा 10 रख दिया है, इसीलिए यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो 0 से 0 कटेगा, 10 से 0, 16 × 5 = 80, तो कितना आ जाना चाहिए, 800 ही, कुछ ज़्यादा आ जा रहा है इसीलिए। तो कितना आ जाएगा, 800 ऐड करेंगे तो 16,800 हो जाएगा, है ना। 5 लेना था, 10 ले लिया था, इसीलिए दिक्कत हुई। तो अब SI2 फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट, अब 5 ही लेंगे, इंटू टाइम अपॉन 100। 00 से 00 कट गया, 16 × 5 = 80 होता है, सो और 5 × 8 = 40 होता है ना। तो कितना आ जाएगा, 840, तो 840। तो फिर उसके बाद P3 फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले आधे साल के लिए इज इक्वल टू प्रिंसिपल P2 प्लस SI2 यानी कि 16,800 प्लस 840, तो 16,868 होता है, है ना। तो 16 यानी कि 76, 17640, ठीक है, 0 4 8 16 6 7, ठीक है। अभी यहाँ पे SI3 फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। 0 से 0, 5 × 5 = 2, 2 से कट करेंगे, 2 × 8 = 2, 2 × 2 = 2, कितना आ रहा है, 882 आ जा रहा है। तो अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर कितना हो जाएगा तुम्हारा, P3 प्लस SI3 यानी कि 17640 प्लस 882 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे 18,522, ये आ रहा है। अब आपको CI निकालना है, तो CI फॉर 3.5 ईयर इज इक्वल टू SI1, SI2 और SI3 जो हमने निकाला है, यानी हमने क्या निकाला, सबसे पहले 800, फिर 840, फिर 882। तो देखो 40 और 82 अलग कर दो, 8 × 3 = 24 यानी 2522, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में है, कैलकुलेट द
अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 2 ईयर व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर आर 7% एंड 8%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो बस अलग लगती दिया है और कोई चीज नहीं है इसमें, सब कुछ सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंसिपल है 40,000, रेट है आपका 7% R1 और नेक्स्ट ईयर के लिए 8% है, ठीक है। अभी इसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम SI निकालेंगे फॉर फर्स्ट, तो PTR अपॉन में 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट 7 रखेंगे अभी, अपॉन में टाइम, इंटू टाइम अपॉन 100, 4 7 जो 2800, ये आ गया हमारा 2800। अब इसके बाद P फॉर नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 2800 हो जाएगा, प्रिंसिपल और SI का सम हो जाएगा, यानी कि 42,800, ये हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए। तो SI टू फॉर नेक्स्ट ईयर, तो प्रिंसिपल इस बार 4 to 8 0 0 रखेंगे, साथ में इंटरेस्ट मत भूलना 8% रखने के लिए, अपॉन 100, 00 से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3424, ठीक है। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना आएगा, 4 to 8 0 0 प्लस 3424, 4 2 2 6 4, 4 6 2 2 4, ये अमाउंट आ गया आपका। अच्छा, CI निकालना है, तो CI इज इक्वल टू SI1 प्लस SI2, SI1 कितना आया है 2800 और SI2 कितना आया है 3424, ऐड करेंगे दोनों को आ जाएगा 6224। तो ये हुआ हमारा CI दोनों साल के लिए। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 14 और 15, सिर्फ दो क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम इज 50, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर 5% 50 है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। अब देखो यहाँ पे हिंट तो दिया ही हुआ है ऑलरेडी आपको इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 14 में प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, तो इसको पी ही लेने को बोला है, आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन हम लोग भी पी ही लेंगे। SI इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, रेट परसेंट 5% दिया है और टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर। अच्छा, SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है PTR अपॉन 100। अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, SI की वैल्यू 50, प्रिंसिपल की P ही है, टाइम का 2 है, रेट 5 है, अपॉन में 100, तो 10P अपॉन में 100 इज इक्वल टू 50, 0 से 0 कैंसिल, तो P इज इक्वल टू 50 और ये 10 नीचे से मल्टीप्लाई में, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया 500। अब इसी 500 पे आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल यही है, सेम रेट रहेगा, तो R इज इक्वल टू 5%, रेट सेम रहेगा और टाइम भी सेम रहेगा। तो SI फॉर फर्स्ट ईयर PTR बाय 100, यानी कि 500 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन में 100, 00 से 00 कैंसिल, 25। फिर उसके बाद प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, SI1 प्लस प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर जो था, यानी कि 500 प्लस 25, यानी 525
फाइव हो जाएगा। अब इसके बाद एस आई टू, तो अगेन पी टी आर अपॉन हंड्रेड, तो फाइव टू फाइव इस बार प्रिंसिपल है, इंटू रेट 5% इंटू आर वन, अरे सॉरी टाइम वन अपॉन हंड्रेड, फाइव, अच्छा कुछ नहीं करो मल्टीप्लाई कर दो, 25 5 125, अब पाई 5 2500, यानी कि 26 25 मल्टीप्लाई करने पे आएगा। मैंने लिख दिया 26 25 अपॉन हंड्रेड है, चलो डेसिमल लगा लेते हैं 26.25। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना क्या था, व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू एस आई वन प्लस एस आई टू, यानी कि 25 प्लस 26.25, 26 25 51.25। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2A, क्वेश्चन नंबर है 15। अ मैन इन्वेस्ट 46,875 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, ये प्रिंसिपल, ये रेट और ये टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। इसके बाद वाला और सिंपल हो जाता है एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें जो है ना फॉर्मूले का यूज़ है ना, उसमें डायरेक्टली काम हो जाता है, तो ये विदाउट फार्मूला हम लोग कर रहे हैं ये वाला एक्सरसाइज। पहला प्रिंसिपल है 46,875, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, जो जो पूछा है ना, सॉरी 3 ईयर, जो जो पूछा है ना वो हम इसमें कैलकुलेट करते चलेंगे। एस आई वन सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पी टी आर अपॉन में 100, यानी कि 46,875 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन में 100। ठीक है, काटो 4 1 4 25 5 5 5 9 5 3 5 7 5 5 फिर 5 1 5 से 5 1 5 43 5 8 4 5 7 35 5 5। ठीक है, तुम यकीन मानो हमारी स्पीड ऐसी ही है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर प्लस एस आई फॉर फर्स्ट ईयर, यानी कि 46,875 प्लस 1,875। अब देखो 8 8 16 1,750 आ गया है ना, 46,47,000 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो 48,750 है ना, क्योंकि 8 8 16 1,000 इसका भी बढ़ा और 1,000 इधर वो इस इधर बढ़ा ना, 1,000 इसका, 8 8 1,600 1,000 इसका। अब इसके बाद एस आई फॉर सेकेंड ईयर, अगेन इस बार 48,750, एक मिनट कुछ पूछा है, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, लो भाई पहला आंसर यहीं आ गया, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो 48,750 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन में 100, 0 से 0 4 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 9 जा 5 7 जा 35 5 5 जा। अब 975 नौ दिनी 1800 1,850 रुपये है ना, कितना ईजी है, 1950, ये कैलकुलेशन करते करते आपको आ जाएगा। तो यहाँ पूछा था हमको अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना होगा, प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर प्लस एस आई फॉर द सेकेंड ईयर, यानी कि 48,750 प्लस 1950। अब देखो 50 50 100 हो गया, 9 7 16 1,700 हो गया, 48,149,000 49,000 50,000 इसका 1,000, तो यानी कि 50,700 है ना, इजी। अच्छा ये हो गया, ये सेकंड आंसर आपका। फिर उसके बाद पूछा है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, सिर्फ थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट, तो पहली बात तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर यही जो अमाउंट आया है। ठीक है, अब एस आई फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, 50,700 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन में 100, 100 से 100 कट गया, 4 7 जो 28 लिख दिए, 4 5 जो 20 2028 आ गया, तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर 2028 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2A। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2B के साथ,
जिसमें जो है हम लोगों को फॉर्मूला यूज़ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।